अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ओरिएंटेशन एकेडमी। और आज जो हम टॉपिक की डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी, जब वो 9th 10th फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं। और आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या नेम क्या है और मेरा क्या एक्सपीरियंस क्या है। इस वजह से वीडियो लास्ट तक लास्ट में देखिएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना जो है वो अपना काम शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस अगर वो हों तो ऑक्सीडेशन होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हों तो रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन आपने याद रखनी है कि इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो जाएगी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी। क्या मतलब, अगर एडिशन ऑफ किसी रिएक्शन में या किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन होगी। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए एक एलिमेंट का, ठीक है, तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन के रिमूवल हो जाए तो ऑक्सीडेशन होगी। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन होगी। इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और जो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं समझ आई तो रिपीट करके दोबारा देखिएगा। मैंने आपको कहा है कि ऑक्सीडेशन क्या है, इन चार चीज़ों में से कोई भी एक हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट से आपने नहीं घबराना। ये मैं आपको ये इस वीडियो में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके रूल ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, किन किन जगहों पे कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किस तरह डिटरमाइन करते हैं, उनकी सारी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि अगर किसी भी, ये आपको अगली वीडियो में मैंने कहा है बताऊंगा, अभी सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन कहलाएगी और उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी। अब जिस रिएक्शन के अंदर हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, उसके एग्जांपल हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, घबराना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल भी। रिडक्शन में से कोई भी, इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए तो रिडक्शन होगी। क्या है, दोनों का ये जो ऑक्सीडेशन में हो रहा था उससे उलट है। कैसे, कि ऑक्सीडेशन में क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या हो जाए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या हो जाए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन में क्या था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन इसके शुरू में आता है और ऑक्सीजन भी OX से शुरू होता है, ऑक्सीडेशन भी OX से शुरू होता है। इस वजह से इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन वाला होगा, जो भी ऑक्सीजन का काम होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑक्सीजन ने ऐड होना है, रिमूव नहीं हो सकती, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना है, इंक्रीज होना है क्योंकि है ऑक्सीडेशन। ये दो चीज़ें याद रखी। अब अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का तो एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन ने तो रिमूव होना है, इसलिए ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ाव होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इसी तरह रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है उसको हमने रखना है जेन के अंदर। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीन चारों में से कोई भी एक काम हो जाएगा तो वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। इसकी मिसाल आपको मैं आगे जाके दूंगा डिटेल से, आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने क्या बताया ऑक्सीडेशन का, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तो ऑक्सीडेशन है। अब इसमें देखें, सोडियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो से क्या होगी, प्लस वन होगी। तो ज़ीरो से प्लस वन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन का क्या है, लॉस है। अभी अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, आपको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें मैं ये दोबारा एग्जांपल देके बताऊंगा और उसको मैं दोबारा इससे रिलेट करूंगा। इधर सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेना है और उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ऊपर हमने क्या बात की थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है, तो इधर भी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आपके जहन में आ सकता है, जी आपने तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा है, इसकी मैं डिटेल आपको, इसकी भी एग्जांपल है इसी वीडियो के अंदर, अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं।
रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन मैंने कहा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये क्या है रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे पता चला, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों जगह भी वही काम हो रहा है। मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपका ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला मामला जो है ना, ये 9th-10th में और फर्स्ट ईयर की हद तक भी ये बहुत कम ही देखा जाता है। 9th-10th में तो तकरीबन है ही नहीं इसको, इस तरह का रिएक्शन है ही नहीं। लेकिन जो है ना आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसके अंदर जाके भी इसको थोड़ा टच किया जाता है। इसलिए जो मेन चीज़ है आपकी वो इलेक्ट्रॉन पे डिस्कस होती है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कम डिस्कस की जाती है। मेन फोकस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहस सारी इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन को बेस बनाया है। आगे चलते हैं, आगे है जी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा हो। जिस रिएक्शन में ये दोनों काम हो रहे होंगे उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इन शॉर्ट रिडॉक्स रिएक्शन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको समझ आनी चाहिए। और किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने साइमल्टेनियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या मतलब है कि रिडक्शन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो एक ही वक्त में एक रिएक्शन के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स, और इसी एग्जांपल के अंदर आपका जो ऑक्सीडेशन वाला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में, ये सारा कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। इस एक एक एग्जांपल को हम आगे फर्दर एक अलग पेज पर लिखते हैं ताकि चीज़ ज़रा साफ दिखे और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हाँ जी, तो ये हम इधर हमने ये रिएक्शन लिख ली है। पहला रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ, जिंक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्या है, क्या क्या डिटेल्स, किस तरह इसको हमने हल करना है अभी देखते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने, जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन क्या था पहले, सिंगल था, अब कार्बन की शादी हो गई है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कार्बन में क्या होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन में क्या होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जिंक से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख लेते हैं हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब क्या पता चला, हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन की एडिशन हो तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और अगर ऑक्सीजन की रिमूवल हो तो क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो क्या पता चला हमें, जिंक की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जा रहा है, गायब हो रहा है, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। और इधर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। होप्स वो आप सो क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हमें पता चल गया, ये मैंने आपको कहा था कि अगले रिएक्शन में क्लियर हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन के हवाले से भी ये एग्जांपल होगी। हाइड्रोजन का हिसाब रहता है, हाइड्रोजन की भी अगली एग्जांपल आएगी, उसके अंदर हाइड्रोजन का भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, और अभी तक हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की एक एग्जांपल डिस्कस कर ली है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक एग्जांपल डिस्कस कर ली है, ये आगे ऑक्सीजन की एग्जांपल। अब मैंने क्या कहा था, रिडॉक्स रिएक्शन का। अब आप कहेंगे जी कहाँ है रिडॉक्स रिएक्शन, क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एक एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और एक एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्या कहेंगे, इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, ये रेड निकला रिडक्शन से, ऑक्स निकला ऑक्सीडेशन से, क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। चाहे, और अब हम आ गए अगली एग्जांपल पे, NaCl, ये अब एग्जांपल जो है आपकी डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। जब तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पता चलेगा किस तरह होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आता है, वो सारा कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस एग्जांपल को भी छोड़ दें, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी अगली एग्जांपल पे चलते हैं। तो अब हम आ गए एक और एग्जांपल पे। तो इस पे हमने जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के मुतालिक बात करनी है, ऑक्सीजन की तो बात कर ली हमने। अब ये देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन है इसके साथ, यहाँ पर क्या हो गई है, हाइड्रोजन नहीं है, या Cl2 सिंगल है,
यहाँ पे Cl2 के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की सॉरी सल्फर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बताया था, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पे आ गया। अब आगे Cl2 यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे क्या होगी, एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्यों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने कहा था आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, अब क्या हमें पता चल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, इसकी क्या होगी, सल्फर की रिडक्शन होगी। Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, सल्फर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन को भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, कहते हैं, बल्कि है ये रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन हमने बात की है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बात कर ली थी। और यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तब हमने इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख दिया है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करना है, इसने एक गेन करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसकी डिटेल डिस्कशन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, कि ये कैसे प्लस वन आता है, कैसे माइनस वन आता है, फिर ये दोनों कैसे एक मिलके एक साल्ट बनाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक थी हमारे वीडियो का इख्तिताम होता है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और कम्प्लीटली के ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे इफेक्ट होती है उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अब आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट शो ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी सी अच्छी वीडियो जो है वो अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, याद आया वीडियो के एंड में मुझे, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं मेरा क्या एक्सपीरियंस क्या है, मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएँ, कि फैमिलियर हो जाएँ, कि जो चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, और क्या क्या मेरी एक्सपर्टीज़ है आपको इस बारे में होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा पढ़ रहा होता है उसको पता होना चाहिए कि मुझे जो पढ़ा रहा है या मुझे जो हमें जो बता रहा है वो कौन है, क्या करता है, और पढ़ा भी हुआ उसने पहले कि नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि इस चीज़ का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।